नमस्कार सर, मैं संदना बात कर रही हूँ LIC से। नमस्कार सर, मैं संदना बात कर रही हूँ LIC से, आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? नमस्कार सर, मैं संदना बोल रही हूँ, LIC का एक बहुत अच्छा प्लान आया हुआ है। सर, LIC का कोई प्लान लेना चाहते हैं क्या? सर, LIC का एक बहुत अच्छा प्लान है गारंटीड रिटर्न वाला, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? दोस्तों, क्या होनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस में टेलीकॉलिंग की पिचिंग, यानी कि एग्जैक्ट स्क्रिप्ट ऐसी क्या होनी चाहिए कि कोरोना के बाद बदलते हुए माइंडसेट के साथ जो लोग बैठे हैं वो भी कॉल को सुनने को तैयार हो जाएं, वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी फील करें, वो भी कहीं ना कहीं हमारी बात को सुने समझें और हमारी को अपॉइंटमेंट देने को तैयार हो जाएं, है ना। हमारी को ये जानने की कोशिश करनी है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। और ये वीडियो, ऐसी 10 वीडियोस आपको स्पेशल एक सीरीज के तहत आपको दी जा रही हैं, जिसमें बीमा गुरुकुल की तरफ से आप सारे लोगों के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, जिसको हमने कहा है 2021 की तैयारी। यानी 2021 की तैयारी के लिए 10 वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। 10 में से एक भी वीडियो अगर आपने छोड़ दी तो यानी कि कहीं ना कहीं आपने मिस कर दिया बहुत कुछ, पूरी की पूरी जो तैयारी है 2021 की वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए अगर आपने कोई भी एक वीडियो नहीं देखा है 10 में से, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक्स देख लीजिएगा और वो सारे वीडियो आपके देखे हुए होने चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट है इसको कैसे डिजाइन किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेलीकॉलिंग एक आर्ट है। टेलीकॉलिंग कोई एक स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट बताई और स्क्रिप्ट से काम हो गया। नहीं, आपको स्क्रिप्ट भी बताऊंगा, उसके पॉइंट्स भी बताऊंगा, बट एक बात को समझिए, ये माइंडसेट है, ये एक आर्ट है और इसके अंदर इतनी इन डेप्थ नॉलेज आती है, इतनी एक्सट्रीम नॉलेज आती है कि 2 से 2.5 घंटे का एक पूरा लंबा सेशन चलता है, एक लंबी क्लास चलती है, जिसमें एक घूंट पानी भी मैं पीने का मुझे टाइम नहीं होता। इतनी एक्सट्रीम नॉलेज उसमें दी जाती है, पूरी डिटेल के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, बीमा गुरुकुल के 26 हफ्ते वाले कोर्स में। बट क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 मिनट के अंदर आपको कुछ नटशेल में देने की कोशिश करनी है, हमारा मिशन यही है कि जो लोग ट्रेनिंग नहीं ले सकते उनको भी हम कुछ ना कुछ ऐसा दे दें कि कल को वो रिग्रेट ना करें, 2021 में वो सफल हो सकें, इसके चलते ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो जरूर बीमा गुरुकुल का 26 हफ्ते वाला जो प्रोग्राम है, जो लॉन्च हो रहा है, जो अभी जिसका सेकेंड बैच 6 महीने के बाद फाइनली लॉन्च हुआ, उससे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अदरवाइज आपके पास ये वीडियो तो है ही। अब इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि टेलीकॉलिंग की जो आर्ट है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ मेजर कंटेंट से रिलेटेड कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, वो आपको समझने की जरूरत है। पहली चीज, टेलीकॉलिंग में हमेशा बेसिक रूल है कि यू शुड बी एनर्जेटिक, यानी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक मुस्कुराहट, एक खुशी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि यार बंदा जो सामने से बात कर रहा है ना वो बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत एग्रेसिव बंदा है, बहुत ही पॉजिटिव बात करने वाला बंदा है, यार इससे तो बात करने जैसी है। तो अगर आप खुद कॉलिंग करें या आप अपनी टेलीकॉलर से कॉल कराएं, दोनों ही केस में एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को पता है आज के टाइम में जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंफोसिस, विप्रो, बीपीओस, कोई भी आप बड़े से बड़े, जितने भी आप कॉल सेंटर से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर आप कहीं पे भी किसी भी बड़ी से बड़ी एमएनसीज में चले जाएं, वो सुबह सुबह एक्सरसाइज कराने लग गए हैं। क्या वो सुबह सुबह अपने सारे के सारे इंप्लॉइज को खड़ा कर देते हैं, सामने एक बंदे को खड़ा कर देते हैं, वो शुरू हो जाता है, लोग धीरे धीरे करके नाचने होते हैं, फिर दूसरी तरफ हाथ ले जाते हैं, फिर उनसे एक्सरसाइज कराई जाती है, फिर उनसे भंगड़ा कराया जाता है, और फिर वो सारे एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। अभी आप भी हंस रहे होंगे, पर रियलिटी तो यही है। इस पॉजिटिविटी के साथ सुबह सुबह मजे, डांस कराने के बाद, मस्ती कराने के बाद, इंजॉय कराने के बाद, एक दूसरे को देख के खुशी खुशी हंसने के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि आदमी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी सीट पे बैठता है और पूरे दिन एनर्जेटिक रहता है। तो सबसे पहले याद रखिए, अब 2021 की प्लानिंग में हम ये रेस्ट एश्योर करेंगे कि हम खुद कॉल करें या हम अपने टेलीकॉलर्स को रखें, सुबह सुबह का माहौल मस्त होना चाहिए, सुबह सुबह का माहौल एक बड़ा पॉजिटिव माहौल होना चाहिए। दूसरी चीज, पहली एनर्जी, दूसरी चीज अपने आप को भी बता दीजिए और अपने टेलीकॉलर को भी बता दीजिए। क्या आप खुद कॉलिंग करें, आपका टेलीकॉलर कॉल करे, कॉल करने से पहले, मोबाइल हाथ में लेने से पहले आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे की स्माइल ही वो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी सामने वाले की नजरों में, सामने वाले के मन में जो एक पॉजिटिविटी, जो आपकी वाइब्स आएंगी, वो पॉजिटिव वाइब्स तभी जाएंगी जब आप स्माइल कर रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे,
और मुस्कुराहट के साथ फिर आप उन्हें ग्रीटिंग करें। तो पहला क्या था? एनर्जी। दूसरा क्या था? स्माइल। तीसरा क्या था? ग्रीटिंग, कि नमस्कार सर। अब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के कंपैरेटिवली सुबह से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के कितने मैसेज आते हैं, और जैसे ही गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है आप समझ जाते हैं किसी ना किसी कॉलर का ये मैसेज है, और आप क्या करते हैं? काट देते हैं। अब सोचिए आप फोन काट देते हैं तो वो लोग भी तो फोन काटने को तैयार है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग सुन के। तो आपको क्या कहना है? ग्रीटिंग, नमस्कार। नमस्कार सर। अब ग्रीटिंग के बाद अगला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। जितने भी इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट के छोटे छोटे पॉइंट हैं, मैं आपको ढाई घंटे के सेशन में टेलीकॉलिंग की स्क्रिप्ट के पॉइंट ही नहीं बहुत सारी चीजें सिखाता हूं, बट यहाँ पे 10 मिनट में बता रहा हूं तो बहुत फास्ट और बहुत थोड़ा सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर रहे हैं, जिसमें अब समझने वाली बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने उसके बाद ग्रीटिंग के बाद इंट्रोडक्शन देना है। नमस्कार सर, मैं संजना बात कर रही हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से या LIC ऑफ इंडिया से या जिस भी इंश्योरेंस कंपनी में आप हैं। नमस्कार सर, मैं संजना बात कर रही हूँ LIC ऑफ इंडिया से, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? दोबारा से सुनना, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? यानी कि वो परमिशन ले रही है। कोई भी समझदार पढ़ा लिखा बंदा ये पसंद नहीं करता कि उसके सामने किसी टेलीकॉलर ने कॉल किया और अपनी बात शुरू कर दी। अरे मामा परमिशन तो लो, एक बार पूछो तो सही वो किस कंडीशन में बैठा है, ड्राइव कर रहा है, कहाँ पर है, मीटिंग में है, किस जगह पे है। सर क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? अब ये संजना जो है इसने कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया कि ये प्रोफेशनल है, इसने एक परमिशन ली है, पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया। कई लोग सीधा स्टार्ट कर देते हैं, गुड मॉर्निंग सर एयरटेल से बात कर रही हूँ सर सिम लेना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग सर LIC से बात कर रही हूँ सर पॉलिसी में इंटरेस्टेड है, गुड मॉर्निंग सर इस कंपनी से बोल रही हूँ सर मेडिक्लेम पॉलिसी आई। अरे बाबा तरीके से, प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन का एक तरीका होता है, मुस्कुराओ सबसे पहले, मुस्कुरा के बोलो नमस्कार सर, अब मैं संजना बात कर रही हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? अब सामने वाले के, क्योंकि हमें 5 सेकंड चुराने हैं, टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट का मतलब क्या, 5 सेकंड चुराने हैं, अगले 5 सेकंड चुराने हैं, फिर अगले 5 सेकंड चुराने हैं, तो उसको कुछ ऐसा बोलो कि सामने वाला कहे नहीं यार बंदे में बात है। अब वो बिजी होगा तो कहेगा नहीं बाद में कॉल करने के लिए, तो बात का टाइम ले लो। अगर वो कहता है कि नहीं आप बात कर सकते हैं बताइए क्या हुआ, तो सर थैंक यू, उसके बाद उसको थैंक्स बोलना है। भैया 200 लोगों को कॉल करते हैं उनमें से 100 लोग बात सुनते हैं, तो 100 लोगों ने जिन्होंने बात सुनी उनका धन्यवाद करना तो बनता है, नहीं बनता तो धन्यवाद करना है, थैंक यू सर। सर अब इसके बाद की जो पिचिंग मैं आपको बता रहा हूं, वो पिचिंग आप अपने हिसाब से थोड़ी सी स्क्रिप्ट में चेंजेस भी ला सकते हैं, बट जो बेसिक पॉइंट बता रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक पॉइंट क्या? एनर्जी, स्माइल, उसके बाद ग्रीटिंग, उसके बाद परमिशन, उसके बाद थैंक्स, ये सारे पॉइंट्स हैं। और थैंक्स के बाद अगला क्या? उसके बाद आपने प्लान के बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो वर्ड्स उसके कानों को कर्ण प्रिय, कहते हैं ना कर्ण प्रिय, कानों को प्यारे लगने वाले वर्ड्स। नमस्कार सर, थैंक यू सर, सर LIC में एक बेहतरीन प्लान आया हुआ है, सर LIC में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान आया हुआ है, सर LIC में एक मार्वलस गारंटीड रिटर्न प्लान आया हुआ है, सर LIC में। अब ऐसे जो शब्द हैं जो सामने वाले के कानों को अच्छे लगे उसको इसमें पिरो देना है, ये माला है जिसमें एक मोती पिरोना है कि सर LIC में बहुत बेहतरीन प्लान आया हुआ है जिसमें आपको 25 लाख रुपए मिलते हैं। क्या बोला है? 25 लाख रुपए मिलते हैं। अब सामने वाले को लगना चाहिए कि उसको सबसे पहले क्या फील देनी है कि उसे कुछ मिल रहा है। हमने जो फोन किया है हमने कुछ देने के लिए फोन किया है, लेने के लिए फोन नहीं किया। तो थैंक यू सर LIC में बेहतरीन प्लान आवा जिसमें आपको 25 लाख रुपए मिलते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ सर 5,000 रुपए पर मंथ सेव करने होते हैं, और इतना ही नहीं सर इसके साथ साथ आपको इतने रुपए का रिस्क कवरेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो यानी जब तक मैं ये बोलूं कि 5,000 रुपए महीना सेव करने होते हैं, 5,000 का अमाउंट जब तक उसके दिमाग में घुसे कि 5,000 रुपए महीना, तब तक उसे एक और बड़ी फिगर दिखा देनी है। तो 25 लाख, 12 लाख, 11 लाख, इस तरीके से नमस्कार सर और थैंक यू सर, थैंक्स के बाद चलता हूं आगे कि थैंक यू सर LIC में बेहतरीन प्लान आवा जिसमें आपको 25 लाख रुपए मिलते हैं, उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ सेव करने होते हैं, और इतना ही नहीं इसके साथ साथ आपको 12 लाख रुपए का रिस्क कवरेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये बोल के एक पॉज देना है। अगला पॉइंट क्या है? पॉज। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स बताए उसमें लास्ट के पॉइंट डिस्कस करते हैं कि उसमें आपने क्या किया। उसमें आपने सामने वाले को अपने प्लान के बारे में बताते हुए कुछ मेजर इंपॉर्टेंट कर्ण प्रिय शब्द बोले, बोलने के बाद देने की गिविंग एटीट्यूड रखा, और गिविंग एटीट्यूड के बाद अब आप जीवन उमंग के लिए
अगर करते हैं तो उसमें ही सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना। आप जीवन लक्ष्य के लिए करते हैं तो सारे पॉइंट्स को, जीवन लाभ के लिए करते हैं, किसी और कंपनी के आप इंश्योरेंस एजेंट हैं उसके किसी प्रोडक्ट को करते हैं, तो जिसके लिए भी आप कर रहे हैं उसको आप ध्यान में रख लेना। प्रोडक्ट आपको आपके हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है। उसकी जो दो लाइनें हैं वो आपको आपके हिसाब से डिसाइड करनी है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग हो सकती है, बट मेजर ये पॉइंट सारे के सारे सेम रहेंगे। और इसके बाद आपको पॉज देना है। पॉज क्यों देना है? कि सामने वाला बंदा हूं हां आपकी बात को सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। जैसे आप पॉज, पॉज मतलब शांत हो जाना है कुछ सेकंड के लिए और सुनना है कि वो क्या बोलता है। ओके, मान लो वो कुछ कहता है, आप समझ जाओगे कि उसने आपकी बात को सुना है। उसकी सिर्फ हूं में भी आपको पता चलेगा ही इज लिसनिंग टू यू, क्योंकि जैसे ही आप रुके उसने आपको बोला हूं मैं सुन रहा हूं। तो जैसे ही उसने ये बोला उसके बाद फिर आप उसे प्लान को एक्सप्लेन करोगे, सर ये कितने साल का प्लान है जिसमें आपको प्रीमियम सिर्फ इतने साल देना होता है, इतने साल आप 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से साल के 60,000 रुपए देंगे, इस 60,000 रुपए के ऊपर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको टैक्स में रिबेट मिल जाएगी सर, और जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो पूरा का पूरा सर अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पूरा का पूरा टैक्स फ्री मिलेगा। और फिर डिटेल आपको प्लान समझाना आपको अच्छी तरीके से आता है और मैंने बहुत सारे वीडियोस में सिखाया। बट आज आपको टेलीकॉलिंग की स्क्रिप्ट देते वक्त मेरा पर्पस ये था कि मैं जो 2.5 घंटे में डिटेल में लोगों को बहुत अंदर तक एक एक पॉइंट, इनके अंदर भी सब पॉइंट है, एक एक छोटी से छोटी चीज, वो जो 2.5 घंटे का होता है, हमारी मुहिम यह है कि हम सारे लोगों को कुछ तो दे सकें। तो आपके लिए ये टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट मैं लेके आया। इस टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट को, अपनी टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट को इस तरीके से सजाइए, इन पॉइंट्स के साथ सजाइए और देखिए 2021 में आपको बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस स्क्रिप्ट के चलते। तो ये आपके लिए स्क्रिप्ट थी। आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों का बीमा गुरुकुल जिसका 26 हफ्ते वाले प्रोग्राम का सेकेंड बैच नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। 10 वीडियोस ये स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए है, बट अगर रियल में आप इसकी निटग्रिटीज, इसकी अंदर एक्सट्रीम नॉलेज लेना चाहते हो, आप इसके बादशाह बनना चाहते हो, आप इसके एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो जरूर उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। 6,990 रुपए में हर एक सब्जेक्ट अपने आप में 6,990 रुपए का है, बट आपको पूरे 26 हफ्ते का कोर्स, 26 सब्जेक्ट, 26 न्यूज़लेटर, 26 टिप्स, आपका सर्टिफिकेट, बीमा गुरुकुल का सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको कितने में मिलता है? 6,990 रुपए में। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है और आप उसे अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हो, टेलीकॉलिंग को बेस बना के बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो जरूर बीमा गुरुकुल का जो सेकंड बैच है वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। आप सब लोग भले ही बीमा गुरुकुल में हो या ना हो, बट आपकी जिंदगी में तरक्की, शोहरत, इज्जत, पैसा, सारी चीजें हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स लॉट।